हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेज ब्यूटी जोन। आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर कर रही हूँ जिससे आपके 15 मिनट में आपके स्किन बिल्कुल निखर जाएगी, शाइन करने लगेगी। निखर जाने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कोई गंदा कपड़ा होता है, हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो बिल्कुल वो निखर जाता है, कलर में कोई फर्क नहीं आता लेकिन बिल्कुल साफ हो जाता है। यही बात मैं कर रही हूँ कि स्किन जो है वो आपकी बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं लेकिन आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है और चाहते हैं कि स्किन आपकी ग्लो करे, शाइन करे, तो ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। और ये तरीका है शीट मास्क यूज़ करना। शीट मास्क जो है रेडीमेड भी मिल जाते हैं मार्केट में लेकिन बहुत कॉस्टली होते हैं, 100 रुपीज़ से उनकी रेंज जो है शुरू होती है एक पीस की, ठीक है। और ये हम घर पे DIY जो है तैयार कर सकते हैं। पहले तो अगर वो कटिंग खुद करनी है घर पे तो उसकी वीडियो जो है मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, लेकिन मार्केट में ये रेडीमेड भी मिलती है। टैबलेट्स जो है, शीट मास्क टैबलेट्स मिलती हैं। ये 50 पीसेस का पैकेट मैंने अमेजोन से मंगवाया है, लोकल स्टोर से मिल जाएगा। ये 50 पीसेस का पैकेट है, 320-340 के आसपास मुझे मिला है। और ये जो टैबलेट्स हैं, ये मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये ऐसी टैबलेट्स हैं पैकेट्स में। तो इसको कैसे, टैबलेट को कैसे यूज़ करना है, शीट मास्क कैसे बनाना है, किस में बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या रिजल्ट आता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये शीट मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच दूध, मिल्क, रॉ मिल्क ले सकते हैं, बॉयल मिल्क जो है ठंडा करके वो भी ले सकते हैं। और ये एलोवेरा जेल मैं पतंजलि की यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और एक विटामिन ई कैप्सूल और शीट मास्क टैबलेट। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच एलोवेरा जेल, एक विटामिन ई कैप्सूल। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप विटामिन ई कैप्सूल जो है अवॉइड कर सकते हो। इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद जो विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल है वो आपको ऐसे ही दिखता रहेगा ऊपर, क्योंकि ऑयल कभी उसमें मिक्स नहीं होगा। अब जो टैबलेट है इसमें हमने छोड़ देनी है, बस 1-2 सेकंड में ये बिल्कुल अच्छी तरह जो है इसको मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसको, शीट मास्क को हम खोल के अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। फेस हमारा पहले फेस वॉश से वॉश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए फेस इस शीट मास्क को अप्लाई करने से पहले। अब मैं शीट मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट इसको अपने फेस पे रखना, उसके बाद उतारना है। अब जो रेजिड्यू बचा हुआ है उसको मसाज कर लेनी है अच्छी तरह। लुक एट द शाइन ऑफ द फेस, स्किन कितनी शाइन कर रही है और स्किन क्लीन हो गई है बिल्कुल। तो आपने देखा ना कि कितनी स्किन क्लियर हो जाती है, शाइन करने लगती है, ग्लो करने लगती है। तो अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल बटन है उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, अदरवाइज जो है नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की नहीं मिलेगी। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।